अस्सलाम वालेकुम फूडी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही लजीज, जायकेदार और बहुत खुशबूदार बनती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पे चिकन ली है, 1 किलो बोन्स के साथ है। उसी के साथ यहाँ पर हम थोड़ा अदरक लहसुन लेंगे, जो कि 100 ग्राम अदरक और लहसुन है और 50 ग्राम हरी मिर्चें हैं। फ्रेंड्स, इस बिरयानी में अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलता है। इसी के साथ 1/2 किलो प्याज, जिसे मैंने पतला स्लाइस कर लिया है, और 300 ग्राम आलू को नमक के पानी में काट के सोक करके रखा है। अब एक देगची में 2 कप तेल गरम कर लेंगे। इसमें हम प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम प्याज का बरिस्ता बना रहे हैं, तो इसके लिए आपकी प्याज इक्वल साइज में कटी होनी चाहिए, जिससे ये इवेनली गोल्डन फ्राई हो सके। फ्रेंड्स, प्याज फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये बिरयानी बहुत ही शानदार बनती है। आप इसे अपने दावत के मेन्यू में भी ऐड करें और आपके मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने अब सारी प्याज निकाल ली है। अब सेम ऑयल में हम आलू को भी फ्राई करके लेंगे। आलू को भी हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आलू को भी हमने नमक के पानी में भिगो कर रखा था, इससे आलू के अंदर अच्छा नमक आ जाता है और यह फीके नहीं निकलते। अब आप देख सकते हैं, आलू में भी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, अब ये वही सेम ऑयल है जिसकी क्वांटिटी मैंने कम कर ली है। इसमें मैं थोड़े अच्छे गरम मसाले डालूंगी, जैसे हरी इलायची, काली मिर्चे, दालचीनी, लौंग, और उसी के साथ चिकन भी डाल दूंगी और इसे थोड़ा फ्राई कर लूंगी। अब जो अदरक लहसुन हरी मिर्च मैंने शुरू में दिखाया था, उसी का पेस्ट बनाकर इसमें हम ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अदरक लहसुन की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कम कर सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट क्वांटिटी है और ये हमारी बिरयानी को, खुशबू को, फ्लेवर को ओवरपावर नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करते हैं, जैसे कि 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा पानी ऐड करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका लेते हैं। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए, चिकन भी हमारी पक गई है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम फ्राई करे हुए जो आलू हमने रखे थे, वो अब हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। हम इसमें 250 ग्राम दही ऐड करेंगे। जो प्याज हमने फ्राई की थी, उसमें से 3/4 हिस्सा हम क्रश कर लेंगे और 1/4 हिस्सा बचा लेंगे, उसे हम बाद में यूज करेंगे। अब जो प्याज हमने क्रश की थी, वो हम मसाले में मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है और बिरयानी अपने खुशबू और फ्लेवर्स के लिए बहुत ही जानी जाती है। अब इसमें खट्टे के लिए हम 2 नींबू के रस ऐड कर रहे हैं। इस बिरयानी में हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने उसकी जगह पर नींबू का इस्तेमाल किया है। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम इसकी कंसिस्टेंसी और सीजनिंग को भी एडजस्ट कर लेंगे। हमारा बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे।
अब हम चावल बनाने की तैयारी करते हैं। तो चावलों के लिए मैंने 3 से 4 लीटर पानी को एक बड़े बर्तन में गरम करने के लिए रखा है और इसमें हम थोड़े खड़े गरम मसाले और 3 से 4 बड़े चम्मच नमक ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बिरयानी के लिए 1 किलो बासमती चावल इस्तेमाल किया है। मैंने इन्हें साफ करके अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। अब हम चावलों को भी ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ पर चावलों को 80% तक उबाल लेना है। चावलों में अच्छा उबाल आ रहा है, इसे हम हल्के हाथों से स्टर कर लेते हैं। अब हमारे चावल 80% तक उबल चुके हैं। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं और इसमें हल्का तेल लगा के इसे बहुत हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम ये चावल हमारे बिरयानी के मसाले पे डाल देंगे। यहाँ मैं पहले आधे क्वांटिटी चावलों की डाल रही हूँ। हम इसे इवनली इसको स्प्रेड कर लेंगे और जो फ्राइड प्याज हमने बचाई थी वो थोड़ी डाल देंगे। अब जो बाकी बचे चावल है वो भी डाल देते हैं और इवनली स्प्रेड कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर को 1 बड़े चम्मच केवड़े वाटर में मिलाकर बिरयानी पर डाल देते हैं। साथ ही बची हुई प्याज भी स्प्रिंकल कर देते हैं और लिड लगाकर इसे एकदम स्लो आंच पर 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट बाद हम देखते हैं हमारी चिकन दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। आप इसे अपने मनपसंद रायते या कचुंबर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही खुशबूदार है और बहुत ही मज़े की बनती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।